दोस्तों अतीक अहमद का मारा जाना किसी बड़ी घटना से कम नहीं है। सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी कुछ वैसी ही है। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक पाप पुण्य का फल यही मिलता है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक यह आतंकी पराकाष्ठा है। ओबीसी के मुताबिक अब अल्पसंख्यक समाज के लोग महफूज नहीं है। लेकिन इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी ने उमेश पाल और उनके दो गनर की हत्या के बाद विधानसभा में कहा था कि माफिया या अपराधी कोई भी हो, उनकी सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, यूपी के तीनों मुख्यमंत्रियों के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी के लखनऊ से बाहर के दौरों के दौरान उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी। दोस्तों, सीएम योगी के पास अभी जेड प्लस सुरक्षा मौजूद है। बता दें कि देश भर में करीब 40 लोगों को ही जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसपे सीएम योगी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता शामिल है। इस श्रेणी में 10 से अधिक एनएसजी कमांडो के अलावा कुल 55 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। इसके साथ ही सुरक्षा दस्ते में 5 बुलेट प्रूफ वाहन भी मिलते हैं। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक है। ऐसे में चुनाव के लिए प्रचार के दौरान उन्हें कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान उनके क्लोज प्रोटेक्शन का दायरा बढ़ाया जाएगा। दरअसल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ लखनऊ में बड़ी बैठक की। इसमें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इसके साथ ही सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम के सारे सार्वजनिक कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, पिछले 4 दिन में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या हुई। उसके बेटे असद, उसके शूटर गुलाम को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। 4 दिन में ही अतीक अहमद की सारी भुजाएं कटी और अतीक अहमद की भी हत्या कर दी गई। इससे पूर्वांचल में भीत खाने में मुसलमान समुदाय में बहुत गुस्सा है और शायद यही वजह है कि सीएम योगी की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों, यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे में सरेआम गोली मारकर लोगों की हत्या हो रही है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।